हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट इंडिया। मैं हूं ईशा। आज हम आपसे सोयाबीन के पकोड़े की रेसिपी शेयर करेंगे। सोयाबीन के पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और ये बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन रिच होते हैं, तो आप इसे कभी भी स्नैक के रूप में बना के खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन के पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे 150 ग्राम सोयाबीन लिया है और इसे हमने नमक डाल के 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है और उसके बाद इसका सारा पानी को निकाल लिया है। 2 चम्मच बेसन लेंगे, 1 चम्मच राइस फ्लोर लेंगे, चावल का आटा लेंगे, इससे जो हमारे पकोड़े हैं वो अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। 2 चम्मच दही लेंगे, चाट मसाला लेंगे स्प्रिंकल करने के लिए पकौड़ों में, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर लेंगे, नमक स्वादानुसार लेंगे, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और 1 छोटी चम्मच हम कसूरी मेथी लेंगे। सोयाबीन को बॉईल करने से सोयाबीन अच्छी सॉफ्ट हो जाती है, तो सबसे पहले हम सोयाबीन में से पानी को स्क्वीज कर लेंगे। सबसे पहले हम सोयाबीन को हाथों से दबा के इसके पानी को अलग कर लेंगे। इस तरीके से हम इसके पानी को स्क्वीज कर लेंगे और सारी सोयाबीन में से पानी को इसी तरह से निकाल लेंगे। ये सोयाबीन में से हमने सारे पानी को निकाल लिया है। अब हम एक बॉल लेंगे, उसमें सोयाबीन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करेंगे, चावल का आटा ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, ये स्वाद के अनुसार रहेगा, और कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि जितने भी सूखे मसाले हैं वो अच्छे से कोट हो जाएं सोयाबीन में। पानी कम ही ऐड करेंगे हम इसमें। ये सोयाबीन में सारे मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं, अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। हमने यहाँ गैस ऑन करके तेल को अच्छा गरम कर लिया है। अब हम इसमें सोयाबीन ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रख के इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और इसे हम बीच बीच में फ्लिप करते रहेंगे ताकि पकौड़े हमारे अच्छे फ्राई हो जाएं। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं ये। ये पकोड़े हमारे अच्छे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें गरम गरम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे गर्मा गर्म सोयाबीन के पकोड़े बनके तैयार है, तो अब हम इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। तो आप इसे शाम की स्नैक में खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे चाय के साथ या फिर टोमेटो केचप और हरी चटनी के साथ इसे गर्मा गर्म खाएं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।